हरियाणा के पलवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रथला से पूर्व विधायक एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि सरकार की गलती की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पंचायत की बस्ती जमा करा लेना और उसके बाद एक तरफ जहां विकास कार्यों पर भी रोक लगी, साथ ही गांव की सुरक्षा के लिए सरपंच जो कदम उठा सकते थे वह बस्ती जमा होने के कारण नहीं उठा पा रहे हैं। एक पंचायत अधिकारी के पास 100 से ज़्यादा गांव की देखरेख है, जिनका भी जितना भी पैसा ग्राम पंचायतों के लिए आया है वैसा पैसा उन्हीं के पास है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन, सफाई व्यवस्था और अन्य सुरक्षा प्रबंधों में खर्च किया जाना था, लेकिन बस्ती जमा होने के कारण वह पैसा सही जगह पर नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसार दिए हैं। सरकार की गलती के कारण यह सब कुछ हुआ। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले में अपनी नाक का सवाल ना बनाकर जब तक चुनाव होते हैं तब तक पुराने सरपंचों को ही बस्ते सौंप दें, ताकि सुरक्षा के मद्देनज़र ग्रामीण क्षेत्र में काम किया जा सके। आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीमारी ने रुक कर लिया है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्या कहना चाहेंगे लोगों से के लिए और क्या कारण मानते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है कि फरवरी में जितनी भी ग्राम पंचायतें थी वो भंग करके उनके बस्ते जमा करा लिए गए। FFC की किस्त जो मार्च में आई थी वो किस्त 2 लाख से लेकर के बड़े गाँव के हिसाब से 20 लाख तक होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आती है, वो पैसा भी BDO के पास है। इसके अलावा जो 15 मार्च तक तालाबों के और पंचायतों के जो पट्टे छोड़े गए थे वो पैसा भी पंचायतों के वो BDO के पास है। आज दिक्कत यह है कि जो पंचायतें काम करती थी वो आज उनके पास पैसा नहीं, वो सारा पैसा ब्लॉक में पड़ा हुआ है, ना तो कोई सैनिटाइजेशन है, ना ही किसी तरीके का जो गंदगी निकाल करके जो जमादार निकाल करके गांव में डाल देते हैं उसको उठाने के लिए कोई संसाधन है, पानी की निकासी के साधन नहीं है, जिससे महामारी का रूप लेता जा रहा है। मैं तो इस मौके पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ग्राम पंचायतें जब तक ये महामारी चलती है, चुनाव नहीं होता है, तब तक इन्हीं को पावर दे करके उन लोगों को माध्यम से ही सैनिटाइजेशन कराया जाए, सफाई व्यवस्था कराई जाए, और जैसे ही ये महामारी ठीक हो जाती है जब चुनाव होंगे उनको अपना वापस अधिकार ले लीजिए। क्या मानते हैं तो सरकार फैला रही है इसको? जो ये बिल्कुल सरकार की कमी है। मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि एक BDO 100 गांवों को नहीं देख सकता। एक ग्राम पंचायत जो होती है वो अपने गांव के लिए खुद जिम्मेदार होती है, इसलिए ग्राम पंचायत को दोबारा से पूरी शक्तियां दे करके इस काम को वो बाखूबी निभा सकते हैं। अब इन्होंने 30,000 से लेकर 50,000 तक कोविड सेंटर बनाने के लिए दिया है। 30,000 रुपये में कोविड सेंटर कहाँ बन जाएगा? 50,000 रुपये में बड़े गांव में कोविड सेंटर कहाँ बन जाएगा? वो जब ग्राम पंचायत का पैसा है, FFC का पैसा आया हुआ है, पट्टों का पैसा आया हुआ है, करोड़ों रुपया ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, उन्हीं सरपंचों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से पुराने वालों से जब तक इलेक्शन नहीं होता है अगर किया जाता है तो बहुत जल्दी इस बीमारी पे कंट्रोल किया जाता है। क्यों फैलाना चाहती है सरकार गांवों में कोरोना? नहीं, फैलाने का मकसद ये नहीं है, वहाँ कोई नीति निर्धारण का सिस्टम जो फेलियर की तरफ है। आपने आरोप लगाया है सरकार पे सीधे सीधे भी, जो इनकी गलती है इसमें पूरी तरह से? नहीं, जब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार फैलाना चाहती है, सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जब पैसा उनके पास है और उन ग्राम पंचायतों का पैसा है तो उन ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्चा करके उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। मेरा एक सुझाव भी है और ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील भी है, जब तक चुनाव नहीं होते हैं उन पंचायतों को दोबारा से। तो गलती भी तो सरकार की रही है तो सुधारनी ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए, इसमें क्या है, अगर मान लो इलेक्शन होने थे जैसे मान लो मार्च में, वो फरवरी में जब मान लो बस्ता जमा हो गए तो उसके बावजूद अगर महामारी ने घेर लिया तो उनको दोबारा रीइंस्टेट करने में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। गांव में तेजी से कोरोना फैल रहा है और ग्रामीण भी निकल कर नहीं आ रहे, अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ग्रामीण आंचल के अंदर इतनी सुविधाएं अभी नहीं है कि वहाँ ना तो अभी PPE किट वगैरह के साथ मतलब ना कोई टेस्टिंग का सिस्टम बैठ पा रहा है, ये तो अभी तक तो
झोला छाप डॉक्टरों के साथ मदरजाना मामला चला हुआ है, वहां जितनी हो सके अधिक से अधिक सुविधाएं देकर के जल्दी से जल्दी इस पर